गाइस आज की इस वीडियो में आपको एचपी के ब्रांड न्यू लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जिसका मॉडल नंबर है FT1097TU और लैपटॉप रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और लैपटॉप 70,000 तक के बजट में उन यूजर्स के लिए काफी सही है जो फिल्मोरा, फोटोशॉप, विजुअल स्टूडियो कोड, एमएस ऑफिस या अदर एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं। और बता दें एचपी का लैपटॉप इंटेल के लेटेस्ट कोर i5-120U प्रोसेसर पर बेस्ड है और आपको इसमें 16GB रैम के साथ Gen4 SSD स्टोरेज ड्राइव का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी दिया गया है जिसका आपको इसमें लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी फॉर ऑल काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस लैपटॉप के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो इट ऑब्वियसली मोर मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। हमें एचपी के इस लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट 13th जनरेशन कोर i5-120U प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो एक इंटेल रैप्टर क्यू सीरीज का रिफ्रेश प्रोसेसर है जिसे इसी साल 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपको इस प्रोसेसर में 10 कोर्स और 12 हेड्स दिए गए हैं विद 12 MB L3 कैश मेमोरी और इसकी बेस क्लॉक स्पीड 0.9 GHz की है जो 5 GHz तक मैक्सिमम बूस्टेबल है। और फ्रेंड्स इसमें भी हमें पी कोर को उसका फंडा देखने को मिलता है जैसे इसके परफॉर्मेंस में 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स दिए गए हैं और इसकी क्लॉक स्पीड 1.4 GHz से लेकर 5 GHz तक रहने वाली है जबकि एफिशिएंट कोर्स में 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसकी क्लॉक स्पीड 0.9 GHz से लेकर 3.8 GHz तक ही है जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस से इसको काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे और सीपीयू को काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और अगर मैं इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स का कंपैरिजन इंटेल के 13th जनरेशन कोर i5-1335U प्रोसेसर के साथ तो आप देख सकते हैं कि इनके स्कोर्स में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन आपको एचपी के इस लैपटॉप में हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी जिससे आप इस लैपटॉप में 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं फिल्मोरा और प्रीमियम प्रो में। इसे मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हैं और आप इसे प्रोग्रामिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसमें फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। और इतना ही नहीं, आप इस लैपटॉप को अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या अदर ऑफिस वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर इतना कंपेटेबल है कि आपके सारे काम बड़े पैसे करवा देगा। और इसके ग्राफिक्स में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसमें आपको इंटेल आई ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा जिससे आप इस लैपटॉप में सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं जैसे GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी या फीफा। बट स्टिल फ्रेंड्स ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है इसलिए आप इसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर गेमिंग करने के लिए कंसीडर मत करना। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर आए तो हमें इस लैपटॉप में प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस जो काफी अच्छी बात है जिससे आप इसमें विंडोज 11 की सारी एप्लीकेशंस को यूज कर सकेंगे। और स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इस लैपटॉप में 512 GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव लगी है और एक Gen4 SSD है जिससे फ्रेंड्स इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपके यहाँ पे फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और रैम की बात करूँ तो हमें इस लैपटॉप में डायरेक्ट 16 GB की 3200 MHz की क्लॉक स्पीड वाली DDR4 रैम प्रोवाइड की गई है पर आप इसकी रैम को 16 GB से ऊपर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं और वैसे भी आपको अपग्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज 16 GB रैम इज गुड इनफ फॉर एवरीडे टास्क। और चले गए सब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। हमें इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का 1080 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो काफी स्लिम नैरो बेसल्स के साथ आता है और नीचे वाले बेसल पर एचपी की ब्रांडिंग दी गई है और इसके डिस्प्ले में 250 इंच तक की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमिट का सपोर्ट रहने वाला है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 85% तक का है जिससे आप इस लैपटॉप में कलर क्रेशन एंड कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर सकते हैं पर इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस गुड इनफ रहेंगे इंडोर यूज के हिसाब से जिससे आपको इसमें फुल HD रेजोल्यूशन वाली वीडियोस और मूवीज को देखने में काफी मजा आएगा। और इसी के साथ बता दूं हम यहाँ पर इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग का सपोर्ट भी मिलता है जिससे आपको इसमें ग्लोसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो HP की इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और लैपटॉप काफी स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और हर एंगल से एक प्रोफेशनल सीरीज का लैपटॉप लगता है और आपको इसमें ना के ब्रॉड फ्लैग्स देखने को मिलेगा। और इसके इंजेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और बता दूं लैपटॉप के बैक पैनल में आगे और पीछे रबर ग्रिप्स दी गई हैं जिससे लैपटॉप के बैक पैनल में एक अच्छी ग्रिप बनी रहेगी और लैपटॉप ज्यादा हीट अप भी नहीं होगा। और इस लैपटॉप का वेट 1.65 kg है और बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हमें HP के इस लैपटॉप में लेटेस्ट Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन प्रोवाइड किया गया है जिससे आपको इसमें फास्ट डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी और आप इस तरह सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और वीडियो कॉलिंग के लिए HP ने इस लैपटॉप में 1080 पिक्सल्स वाला फुल HD वेबकैम का सपोर्ट दिया है
वो भी इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स के साथ, जिसे आप जूम पर वीडियो कॉलिंग्स या मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके वेबकैम में प्राइवेसी शटर का ऑप्शन नहीं है। और स्पीकर्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स का सेटअप रहने वाला है, जिससे आपको इस लैपटॉप में डिसेंट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी और आप इसे मल्टीमीडिया को फुल एंजॉय कर सकेंगे। और चलिए गाइस, अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इसमें फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के किसके बीच के अलाइनमेंट काफी अच्छी है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। और बैकलाइट कीबोर्ड के फीचर के साथ आप इस लैपटॉप को लो लाइट या डार्क कंडीशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें क्लास साइज का ट्रैकपैड दिया गया है, जो विंडोज 11 के साइज जैसा को सपोर्ट करता है। और एक ट्रैकपैड फुली क्लिकेबल है। और बैटरी में हमें वही सेम बैटरी देखने को मिलते थी, 45 वॉट की लिथियम आयन बैटरी, जिससे आपको अराउंड 3-4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। पर इस लैपटॉप के साथ 65 वॉट के एसी अडैप्टर दिया गया है, जो लैपटॉप को 45 मिनट्स में 50% तक चार्ज कर देगा। और पोर्ट में हमें इस लैपटॉप में सभी तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड को 1 USB टाइप ए पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट एंड 1 3.5 mm ऑडियो जैक रहने वाला है। और राइट हैंड साइड में 1 चार्जिंग पोर्ट एंड 1 USB टाइप ए पोर्ट दिया गया है। पर फ्रेंड्स, इसमें इथरनेट का पोर्ट और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है। और चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर, लैपटॉप के यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। HP का लैपटॉप ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड वर्क को, मल्टीटास्किंग हो या डेली लाइफ के टास्क के लिए काफी शानदार मॉडल है। और लैपटॉप जिस प्राइस रेंज में जो हमें कॉन्फिगरेशन सब प्रोवाइड करवा रहे हैं, वह काफी कमाल है। जैसे कि आपको इसमें 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और इसमें इंटेल का लेटेस्ट 13 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक यू सीरीज का रिफ्रेश प्रोसेसर है। और इसमें 16 GB रैम के साथ 512 GB तक की स्टोरेज लगी मिलती है। और एक जेन 4 SSD है। और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज इंक्लूडेड है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस। और इस लैपटॉप में लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ के वर्जन से दिए गए हैं। और इसमें इंटेल का एक ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। और इसमें सभी नेक्सेसरी पोर्ट्स रहने वाले हैं। और इसमें डुअल स्पीकर सब प्रोवाइडेड है। और इसी के साथ हमें इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी दिया गया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और आप इस लैपटॉप में अपने एवरीडे के टास्क को फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसे 7-8 आज तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं। और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में HP का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूं तो इस लैपटॉप की कीमत है 69,990 रुपीज। और आप इस लैपटॉप को बिना किसी डाउट के डायरेक्ट अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये लैपटॉप कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस, सब सीधा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।